भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है। आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं। श्याम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती। भाई अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। भाई ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि श्याम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती। करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री को और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो श्याम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मान रही।